जय हिंद। आज की क्लास में 30 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? यह है आत्मनिर्भर भारत स्टेशन योजना। इसका डिटेल देखते हैं। रेलवे मंत्रालय ने आने वाले वर्षों में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना तैयार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना इसके स्टेशन पुनर्विकास अभियान का एक हिस्सा है। प्रस्तावित स्टेशनों की प्रमुख विशेषता में रूफ टॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी के प्रावधान शामिल हैं इसमें। गृह मंत्रालय और किस राज्य ने ZUF सशस्त्र समूह के साथ संचालन समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये मणिपुर के साथ किया हुआ है। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने जेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ संचालन समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ भी चुके हैं। मार्गदेश जल विद्युत परियोजना जो खबरों में थी, भारत द्वारा किस देश को सौंपी गई है? ये सौंपी गई थी भूटान को। इसका डिटेल देखते हैं। भारत द्वारा सहायता प्राप्त 720 मेगावाट मंगदेशु पन बिजली परियोजना हाल ही में भूटान में ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। इस परियोजना के साथ भारत और भूटान ने 4 मेगा पन बिजली परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता 44% की वृद्धि हुई है। इसमें किस मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने हाल ही में अपने वित्तीय प्रदर्शन और सौंदर्यीकरण के आधार पर शहरों की नई रैंकिंग प्रणाली के लिए समझौता मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिटी फाइनेंस 2022 का उद्देश्य संसाधन जुटाने, व्यय प्रदर्शन और वित्तीय प्रशासन प्रणालियों में शहरी स्थानीय निकायों की ताकत के आधार पर उनका मूल्यांकन और उन्हें पुरस्कृत करना है। सिटी ब्यूरो कंपटीशन पहल का उद्देश्य सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने की दिशा में शहरों और वार्डों द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देना है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप को ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत नियोजित श्रमिक की उपस्थिति को डिजिटल रूप से 1 जनवरी 2023 से सार्वभौमिक बना दिया गया। सम्राट पेंगुइन जो समाचारों में थे, किस क्षेत्र के मूल निवासी हैं? तो हैं अंटार्कटिका के। इसका डिटेल देखते हैं। एक नए शोध के अकॉर्डिंग एम्परर पेंगुइन सहित अंटार्कटिका के 2/3 देसी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है या 2100 तक जनसंख्या में बड़ी गिरावट आ सकती है। ये ग्लोबल हीटिंग के वर्तमान प्रक्षेपवक्र के कारण है। अध्ययन 12 देशों के वैज्ञानिक संरक्षणवादियों और नीति निर्माताओं द्वारा आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री अविनाश सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये उडुपी में किया हुआ है। केंद्रीय युवा मामले मंत्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खेल वैज्ञानिकों और एथलीटों को एक साथ लाया जाएगा। सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए खेल के बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए 2700 करोड़ रुपये और खेलो इंडिया गेम्स के लिए 3136 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। भारत किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया? ये बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष टीपू मुंशी के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर एक संयुक्त व्यवहारता अध्ययन किया गया और जब दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत की संभावना तलाशने पर सहमत हुए। 2021-22 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ के 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया? जो किया है CBIC ने। इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर निपटान आयोग का गठन किया है। इसका उद्देश्य सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को हल करना और निपटाना है। इस कदम से पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत मामलों की त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा। हाल ही में IOOA के माध्यम से अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया संजय सिंह को। इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन ने घोषणा की है कि संजय सिंह को इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन का अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। नवनिर्वाचित शीर्ष निकाय में अध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष ऋतुराज बरुआ, महासचिव अनूप सिंह, कोषाध्यक्ष सैयद अहमद और अतिरिक्त महासचिव बालकृष्ण प्रजापति हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर आज का पसंद आया होगा। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा।
और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाला हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहा हूँ, 9630-8281 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ भी हमसे मैसेज करके व्हाट्सएप में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।